पात्र, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पेंसिल को कैसे शार्प कर सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि आपके साथ, हमारे साथ, स्टूडेंट्स के साथ, स्टेनोग्राफर के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि पेंसिल जो है क्वालिटी ठीक नहीं है, कच्ची पेंसिल निकल आती है। जब हम बॉक्स लेते हैं तो बॉक्स में एक या दो पेंसिल आपको ऐसी मिल जाएगी जिसकी क्वालिटी ठीक नहीं होती। क्या वास्तव में पेंसिल कच्ची होती है? अगर कच्ची पेंसिल आ जाए तो हम उसको किस तरह से शार्प कर सकते हैं ताकि वो हमारे काम में आ जाए और हमारी जो है मनी जो है वेस्ट ना हो, और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये टेक्निक आपको सीखनी है। कुछ टिप्स होते हैं जिस तरह से हम उस पेंसिल को यूज कर सकते हैं। और आपको पेंसिल शार्प करना एक्चुअल में किसी ने सिखाया ही नहीं, ना आपने सीखने की कोशिश करी, ना किसी क्लास में सिखाया गया। छोटे थे तो पेरेंट्स आपको पेंसिल शार्प करके दे देते थे और देख देख कर फिर आपने भी सीख लिया शार्पनर से पेंसिल कैसे शार्प की जा सकती है। लेकिन क्या कोई ऐसी विधि है जिससे हम उस कच्ची पेंसिल को उपयोगी बना सकें? तो हाँ, ऐसी विधि है। तो आज वाला ये वीडियो आपको इसी काम में आएगा और आप आगे से आपकी कोई पेंसिल कच्ची नहीं रहेगी, यानी आप उस कच्ची पेंसिल को भी यूज कर सकते हैं और कच्ची पेंसिल पका तो सकते नहीं। तो कैसे उसका यूज करना है तो देखते हैं आज वाला वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने बहुत सारी पेंसिल्स हैं, शार्पनर्स हैं और पेंस भी हैं और इस तरह कटर भी हैं। तो आज हम सीखेंगे कि पेंसिल इजीली कैसे शार्प कर सकते हैं। तो पेंसिल इजी शार्प करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये पेंसिल शार्प करने का शार्पनर है और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। आप इसके द्वारा पेंसिल शार्प कर सकते हैं। इसके साथ ही ये आपको एक अटैचमेंट भी है। और पेंसिल शार्प कैसे होगी और आसानी से हम पेंसिल कैसे शार्प कर सकते हैं, इसको हमने प्रेस किया और ये पेंसिल को हमने इसके साथ लगा दिया। अब इसको शार्प करने के लिए हम मैन्युअली इसको रोटेट करेंगे और ये हमारी पेंसिल शार्प हो रही है। जैसा कि हम देख रहे हैं, इजीली ये पेंसिल शार्प हो रही है। इसको बैटरी से भी ऑपरेट कर सकते हैं और बैटरी ऑपरेटेड मशीन जो है वो बैटरी से ऑपरेट करेगी और इलेक्ट्रिसिटी से अभी हमारी पेंसिल शार्प होगी। यानी जब ये चलना एकदम फ्लो इसका लूज हो जाएगा तो इसका मतलब ये हमारी पेंसिल शार्प होगी। और आप देख रहे हैं कितनी आसानी से और कितने अच्छे से ये पेंसिल शार्प होकर आ गई। तो एक तो ये तरीका था कि हम पेंसिल कैसे शार्प कर लें और हमारी पेंसिल टूट ना जाए। अक्सर स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि सर पेंसिल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, कल परचेज की और हमारी पेंसिल टूट गई। तो इससे आपकी पेंसिल टूटेगी नहीं और ये शार्पनर आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि पेंसिल शार्प करने के लिए ये शार्पनर है। अब ये जो शार्पनर है अलग अलग क्वालिटी के और अलग अलग डिजाइन के शार्पनर हैं और इस शार्पनर से भी हम पेंसिल शार्प कर सकते हैं। लेकिन इस शार्पनर से जब हम पेंसिल शार्प करेंगे तो अक्सर पेंसिल शार्प ठीक से नहीं हो पाती। आप देख रहे हैं कई तरह की पेंसिल्स हैं और किसी किसी में ये जो पेंसिल आप देख रहे हैं इसमें जो है अगर इस पेंसिल को हम शार्प करेंगे तो ये अक्सर बार बार टूट जाएगी। क्यों ऐसा होता है? हम स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि पेंसिल कच्ची है या क्वालिटी अच्छी नहीं है। ऐसा ये जो आप पेंसिल जब लाते हो तो इसमें क्या होता है, बीच में जो लेड है ये एकदम सेंटर में नहीं होता, तो इस वजह से वो पेंसिल बार बार टूट जाती है और शार्पनर उसको ठीक से शार्प नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा, या तो आपको एक पेंसिल को दो शार्पनर से शार्प करना होगा। एक बार आप किसी एक शार्पनर से शार्प करेंगे और दूसरी बार दूसरे शार्पनर से शार्प करेंगे। अगर फिर भी पेंसिल टूट जाती है, जैसा कि मैं आपको शार्प करके दिखा रहा हूं, तो ये पेंसिल इसका सेंटर आउट होगा तभी टूट जाएगी। और इसको हम एक शार्पनर इससे शार्प करा, एक दूसरा शार्पनर जो आता है उससे शार्प करके देखेंगे और उसके बाद भी अगर आपको लग रहा है कि ये पेंसिल टूट सकती है तो इसके लिए हमें इस तरह के कटर की जरूरत पड़ेगी। ये कटर दो तरह से आते हैं, आप कोई भी कटर ले सकते हैं, इससे हम पेंसिल को शार्प कर लेंगे। जितना आपको शार्प करना है ये पेंसिल को इजीली शार्प कर देगा और आपकी पेंसिल टूटेगी नहीं। ये जो तरीका है ये सबसे अच्छा तरीका है। बार बार आपकी पेंसिल छोटी हो जाती है, आप देख रहे हैं बहुत सारी छोटी पेंसिल हैं और ये इतनी छोटी रह जाती हैं। आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा जिसमें बताया था कि छोटी पेंसिल को बड़ा भी किया जा सकता है। छोटी पेंसिल को बड़ा करने का तरीका मैंने बता दिया था,
आज हम इसको इजीली शार्प करने का तरीका, ताकि बार बार हमारी पेंसिल छोटी ना हो जाए और टूटती ना रहे। अब ये पेंसिल शार्प हो गई और इसको हम यूज कर सकते हैं। अब छोटी पेंसिल को बड़ा करने का जो लास्ट वीडियो में तरीका बताया था वो क्या था, आप देख रहे हैं आपके सामने ये पेंसिल्स हैं और इसको हम बैक साइड से, इस पेंसिल को इसी कटर से बैक साइड से इसका कलर उतार देंगे। कलर जितना थोड़ा सा शार्प करेंगे, कलर उतारने के बाद क्या करेंगे, ये पेन है कोई भी आपके पास यूज किया हुआ पेन है उसका होल हम यूज कर लेंगे, इसको हम इसके अंदर लगा देंगे तो ये हमारी पेंसिल बड़ी होगी। स्टेनोग्राफर को जब भी लिखनी होती है स्पीड से डिक्टेशन तो वो छोटी पेंसिल काम नहीं आती और उसके लिए हमें बड़ी पेंसिल यूज करनी पड़ती है। पर छोटी पेंसिल के बड़ा करने का तरीका ये आपको इजीली इसको बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह आप कोई भी पेंसिल पेन ले सकते हैं और उसका खोल आपके काम आ जाएगा। ये देखो इसके साथ भी हम इस तरह से इसको लगा सकते हैं और आप चाहें तो इसको यहां से कट कर दें। अगर आपको लग रहा है कि ये ज्यादा बड़ा है तो आप इसको कट कर सकते हैं। छोटी पेंसिल को बड़ा करना, बड़ी पेंसिल को शार्प करना, ये आज वाला वीडियो आपको कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि किस तरह से आपको ये वीडियो पसंद आया। और ये जनरल बातें जो हमें जो टिप्स होते हैं ये क्लास में सीखने को नहीं बताए जाते और आज वाले इस वीडियो में आपने ये सब सीख लिया और उम्मीद है आपको ये सब काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।